चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझना है कि ये कोई टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के बच्चों के लिए। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर कुछ क्वेश्चंस को बताइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपना ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन करीब अभी तक नहीं भी तो 6-7 बार जरूर आ चुका है। हम ट्राई करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन 1-2 दिन के बाद बाद अपलोड किया करें आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट से। आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिखा हुआ है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ये DDR रिएक्शन जहां पे आयन का एक्सचेंजिंग होता है बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट। ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्मड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। मान लीजिए लीड नाइट्रेट नहीं रहा तो क्या कीजिएगा, दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे अगर दूसरा कुछ लेते हैं तो लीड आयोडाइड बनना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी ले लेंगे या कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी ले लेंगे भाई कोई भी रिएक्शन हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट है, आयन का एक्सचेंजिंग होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, आयन एक्सचेंज हो ही जाएगा, आयनिक कंपाउंड है, सिंपल सी बात है। लेकिन ध्यान में रहे कि लीड आयोडाइड बनना चाहिए, येलो कलर का प्रिसिपिटेट चाहिए, ये ध्यान में रखना है। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हमारे क्लास 10 के बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, उन्हीं मिस्टेक्स को समझना है कि सर कहां मिस्टेक नहीं हो, क्या करें नहीं मिस्टेक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतारेंगे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ पोटेशियम आयोडाइड, हम लिख देते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड को अगर आप देखिएगा तो के और आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है के आई। हमारे बिहार में भोजपुरी भाषा में के आई का मतलब आपको पता है क्या होता है, के आई केहू ना आई, कहने का मतलब कोई आ रहा है क्या पूछना है यहाँ पे के आई तो क्यों ना आई। ठीक है, बट यहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड है, के आई का मतलब यहाँ पे कुछ और है। अभी के आई जो है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में लिया गया, इसको हम एक्वस लिखते हैं। दूसरा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट। चलिए लीड नाइट्रेट भी लिख देते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में। समझना यहाँ पे ये है कि पोटेशियम का वैलेंसी भी 1- है, आयोडीन का भी वैलेंसी भी 1, सॉरी पोटेशियम का वैलेंसी 1+ है, आयोडीन का वैलेंसी 1- है, ये ध्यान में रखना है। मतलब कि दोनों का वैलेंसी 1-1 है। पोटेशियम का कैसे हुआ आपको पता है, 19 नंबर पे है, 2, 8, 8 और आपका 1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर आप आयोडीन का बात करते हैं, आयोडीन भी आपका 1- जितना भी आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हैलोजन ग्रुप वाले 1- तो देते ही है। ठीक है, अब अगर आप पीबी की तरफ बढ़ते हैं, पीबी का वैलेंसी 2+ होता है, NO3 पॉलीएटॉमिक आयन है, 1- होता है, ये आपको पता है। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा प्लस माइनस के साथ, फिर इधर वाला प्लस माइनस के साथ। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पीबी जाएगा आई के साथ, और यहाँ 2+ है, यहाँ 1- है, पीबी I2 बन जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा, सॉलिड। ठीक है, दूसरा आपका के जाएगा NO3 के साथ, के किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ, ये आपका। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। अब ये आपका के आई हो गया, के आई के साथ रिएक्शन हो गया लीड नाइट्रेट के साथ, PbI2 और KNO3 बन गया। अब हमको लीड आयोडाइड चाहिए, अब क्या इसमें से हमको लेना है, ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लीड सल्फेट ले सकते हैं, बट लीड सल्फेट इनसॉल्युबल है, आपको लेना है एक्वस कंपाउंड सोल्युबल कंपाउंड ताकि रिएक्शन हो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन तभी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आयन का एक्सचेंजिंग होगा। आयन का एक्सचेंजिंग कब होगा, जब एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब ये तो इनसॉल्युबल है, कैसे एक्सचेंज करेगा, तो हम लीड सल्फेट को ना लेके लीड एसीटेट को ले लेते हैं। अब के आई तो लिख देंगे, के आई आप लिख देंगे यहाँ पे, और साथ में लिखेंगे लीड एसीटेट। लीड एसीटेट का अगर फॉर्मूला का बात करते हैं, CH3COO और पीबी लिख देंगे, पीबी का वैलेंसी 2+ होता है, 2 इधर चला जाएगा, तो ये आपका होल ट्वाइस हो जाएगा, एसीटेट के ऊपर होल ट्वाइस। CH3COO एसीटेट आयन है, इसका 1- होता है, इधर आ जाएगा। अब आप रिएक्शन कराइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है, प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, पीबी और आई मिलकर क्या बन जाएगा, PbI2। ध्यान से समझिएगा, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ भी आ जाएगा, ऊपर था वैसे ही आएगा। PbI2 किस कलर का प्रिसिपिटेट होगा, येलो कलर का। अब बच गया आपका ये आयन एसीटेट और आपका उधर बच गया के, कुछ नहीं करना है, CH3COO और के लिख देना, इसके ऊपर प्लस 1, इसके ऊपर माइनस। ठीक है, बस इतना ही आज का वीडियो था। अब आपका लीड आयोडाइड बनाना था, लीड आयोडाइड बन गया, किसके प्रेजेंस में, लीड एसीटेट के प्रेजेंस में। अब बहुत बच्चे का कंफ्यूजन ये होता है
कि सर लीड को आपने लास्ट में क्यों लिखा, ये तो प्लस वाला है, जबकि हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं कि पहले प्लस होता है फिर बाद में माइनस होता है। आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान में ये रहे कि जब आप मेटल और नॉन मेटल का बात करते हैं सिंगल सिंगल, तब आपको प्लस पहले लिखना है और माइनस बाद में, जैसे कि के और आई। अब यहाँ पे आई के आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में पीबी को आप पहले भी लिख सकते हैं और पीबी को बाद में भी लिख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन समझे होंगे और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लीड एसिटेट बी नंबर। हम ट्राई करेंगे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन को पर डे आपके लिए लाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप बच्चे हैं आपको पढ़ना है, बस सिर्फ हम ऐसा क्वेश्चन खोज खोज के लाएंगे आपके लिए, और गारंटी ऐसा कुछ क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर टैली करेगा। टैली